हेलो एवरीवन, ये बैकग्राउंड देखते से ही थोड़ा सा अंदाजा आ जाता है कि शायद एक लॉन्जरी हॉल होगा। एंड यू आर राइट, आपने फर्स्ट वीडियो में इतना सारा प्यार दिखाया, सो मेनी ऑफ यू यूज्ड माय कूपन कोड एंड उस वजह से जिवामी और मैंने वापस एक पार्टनरशिप की है एक नए लॉन्जरी वीडियो के लिए। और आज होगा एक बहुत ही फन सा फैंसी सा लॉन्जरी हॉल, लेकिन सब कुछ बहुत सस्ता है। मतलब मुझे कुछ कुछ ब्रांड्स तो 290 रुपीज की मिली है। तो रेडी हो? लास्ट वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आपको जो फैंसी वाला ब्रास का सेक्शन था ना, वो बहुत पसंद आया। तो ये हॉल के लिए मैंने सारे के सारे फैंसी वाले ही लिए हैं, लेकिन एकदम अफोर्डेबल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पॉपी कलरफुल ब्रास के साथ। मैंने बहुत सारे टी शर्ट ब्रास लिए, जैसे कि ये प्रिटी ब्लू कलर वाली। गाइस, ये वाली मुझे सिर्फ 290 रुपीज में मिली थी यार। कॉटन फिनिश है, एकदम कंफर्टेबल है, बिल्कुल अंडरवायर नहीं है इसमें, तो एवरीडे यूज के लिए बहुत परफेक्ट हो जाती है। इसमें मैं कंट्रोल नहीं कर पाई तो मैंने दो और कलर्स लिए। मैंने ये टाइम का सारा कलेक्शन यहाँ पे सजा के रखा है। मैंने ये येलो वाला लिया एंड थर्ड वाला लिया ये मरूनिश रेड कलर। ये वाला मुझे एकदम हटके लगा, एकदम सेक्सी कलर लगा कि अगर ब्लैक टॉप भी पहना हो और इसमें ये स्ट्रैप्स दिखे तो सुपर्ब लगेगा। ये तीनों के तीनों ब्रास मेरे 900 रुपए के अंदर आ गए थे। इतना बड़ा सेल आ रहा है, सेल आ रहा है इसलिए तो ये वीडियो भी बना रही हूँ कि जिवामी का SOS सेल आ रहा है, सेंड ऑफ सीजन सेल, क्योंकि ईयर एंड होने आया है। तो इट्स काइंड ऑफ द लास्ट चांस टू गेट अ हैंड्स ऑन ये साल के सबसे बेस्ट वाले ब्रास। अप टू 70% ऑफ होगा और फ्री शिपिंग भी होगी, प्लस मेरा कूपन कोड तो है यार। मतलब लास्ट टाइम भी आपने इतने अच्छे से यूज किया, तो ये टाइम भी अगर आप कुछ लो तो ये कूपन कोड जरूर यूज करना। आपको तो डिस्काउंट मिलेगा ही, प्लस जिवामी को भी मालूम पड़ेगा कि कितने लोगों को एक्चुअली हेल्प हुई ये वीडियो देखकर। तो मैं कूपन कोड बीच बीच में डालते रहूंगी ताकि आप भूल ना जाओ। ओके, सेकंड कैटेगरी जो है वो है लेसी ब्रास की। अभी लास्ट वीडियो में मैंने एक मरून कलर का स्ट्रैपलेस ब्रा बताया था। एंड लॉन्जरी एक वैसी चीज है जिसमें अगर कोई ब्रा की फिटिंग अच्छी आए तो उसमें और कलर्स ले लेने चाहिए। मैं एक्चुअली नॉर्मल कपड़ों के साथ भी बहुत करती हूँ कि अगर मुझे कोई टी शर्ट की फिटिंग सही आ रही है तो मैं उसमें सारे कलर्स ले लेती हूँ। तो मैंने लॉन्जरी में भी वही किया। इसका मरून कलर मुझे बहुत अच्छे से आया था, तो इसलिए मैंने इसमें ये गोल्डन कलर भी ले लिया। एंड क्या फैंसी फीलिंग आता है यार, एकदम कंफर्टेबल है, अंडरवायर इतना चुभता नहीं है इसलिए मैं इसको पूरा दिन पहन पाई थी। एंड इसका लेस वर्क ना उतना कड़क नहीं है कि वो टी शर्ट में से दिख के आया, इसलिए मैं इसको नॉर्मल टॉप्स के अंदर भी पहन पा रही हूँ। कभी कभी लेस या चिकन वाले ब्राज में क्या हो जाता है कि वो दिख के आता है, ऐसा थोड़ा ऊपर नीचे दिखता है टॉप में, बट इसमें ऐसा नहीं होता है, इसलिए मुझे ये वाला लेस मोरक्कन वाला बहुत पसंद आया। लेकिन वो वाले में अंडरवायर तो है, तो अगर आपको अंडरवायर नहीं पसंद तो उनके पास ना बिना अंडरवायर वाले भी ऐसे ब्रास है। इसका कप साइज क्या फट्टे है, मतलब इतना बड़ा कप है ना कि फुल कवरेज मिल जाता है। इसमें ना पिंक कलर भी था जो मैं शायद नेक्स्ट टाइम में मंगाऊंगी, लेकिन ये येलो वाला बहुत ही ब्राइट और हैपनिंग वाला फील देता है। अगर आपको पूरे ब्रा पे लेस नहीं पसंद पर थोड़ा सा एज चाहिए तो दैट ऑल्सो आई हैव कवर्ड फॉर यू। ये वाला ब्रा मैंने ढूंढा जिसमें ना नीचे के बैंड पे सिर्फ लेस है, तो एक छोटा सा फैंसी एलिमेंट आ जाता है और ऊपर से एकदम स्मूथ सीमलेस फिनिश है। सीम का मतलब क्या होता है कि ब्रा का जो एंडिंग्स होता है ना, या अगर कप ऐसे जा रहा है तो उसको एक सीम बोलते हैं, SEAM। तो अगर आपने कोई बॉडी फिटिंग टी शर्ट पहनी हो ना कभी कभी तो वो सीम दिख के आता है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा क्योंकि सब एकदम एक सरीखा है। यहाँ पे भी ऐसा कट नहीं है, ऐसा स्मूथली फिनिश हो रहा है। तो फॉर द प्राइस आई थिंक ये 500 के नीचे ही था। मेरे वीडियो में ऑलमोस्ट सारे के सारे ब्रास 500 के नीचे है, अगर ऊपर हुआ तो एक दो शायद ऊपर होगा, उससे ज्यादा नहीं। मेरे पास और दो लेसी है। ओके, तो सेकेंड लास्ट है ये मिंट कलर। यू कैन क्लियरली सी कि मैं करंटली कलरफुल लॉन्जरी से बहुत ऑब्सेस्ड हूँ। यार एक दो ट्राई करना, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। क्योंकि जब भी हम रेडी होते हैं और वही रोज घिसे पिटे सेम आउटफिट्स पहनता है ना, बोर तो हो ही जाता है। तो लॉन्जरी के साथ भी सेम है। लाइक जब मैं लॉन्जरी डिसाइड करती हूँ कि आज क्या पहनूँ, मैं एक्साइटेड होती हूँ कि वाओ ये कलेक्शन में से आज क्या पहना जाए। तो वो फीलिंग एक मोटिवेशन है नया आउटफिट बनाने के लिए, आज तैयार होने के लिए। तो आपको तैयार होने में घंटाला नहीं आएगा, इसलिए मैं कलरफुल ब्रास बहुत ले रही हूँ आजकल। और इसमें लेस किधर किधर है मालूम है? सिर्फ इधर है ऐसे ऊपर एंड नीचे है एंड इसके साइड के इधर है। तो अगर इधर से दिखे भी ना तो ऐसा मस्त वाला दिखेगा, ऐसा ट्यूब वाला भी फीलिंग दे सकता है। एंड आई थिंक लास्ट वाला ये है मेरा लेसी ब्रा। दिस इज अ विदाउट पैडिंग वाला लेसी ब्रा, ऐसे भी आते हैं, इसमें ज्यादा लेसिंग होता है। एकदम सिल्क वाला शाइनी लुक है इसका। नेक्स्ट कैटेगरी है कॉन्ट्रास्ट कलर वाले ब्रा। उसमें मैंने दो लिए, एक है ये पीच और ब्लू का कॉम्बो।
इट लुक्स सो प्रिटी एंड बिकॉज ये मेरे को इतना पसंद आया, इसमें दूसरा कलर तो लेना ही था, तो मैंने लिया ये बहुत ही प्रिटी ब्लैक एंड पिंक कॉम्बो। इसका क्या सीन हुआ मालूम है कि ऐप पे मुझे बता रहा था कि ये और कितने लोगों ने विश लिस्ट किया है या कार्ट में डाला है, एंड आई थिंक कुछ 11,000 लोगों ने डाला था, तो मैं पैनिक हो गई थी, मेरा साइज आउट ऑफ स्टॉक हो जाने के पहले मैं ले लेती हूँ, एंड दैट्स हाउ आई एंडेड अप बाइंग दिस। नेक्स्ट है एक काइंड ऑफ एन एसेंशियल ब्रा जो मैंने आज तक ट्राई नहीं किया था, वो है ये टी शर्ट ब्रा बट विथ अ टी बैग काइंड ऑफ अ बैग। मतलब इसका बैग कैसा है मालूम है कि अगर आप टी बैग वाला टॉप पहनोगे ना, लाइक कोई गंजी पहनोगे ना, तो उसमें नहीं दिखेगा। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम में मेरे गंजी के नीचे स्पोर्ट्स ब्रा पहनती थी और मुझे मम्मी कभी कभी चिल्लाती थी कि स्पोर्ट्स ब्रा डेली वेयर के लिए नहीं होता, तो स्पोर्ट्स ब्रा मत पहना कर, बट मुझे नहीं मालूम था कि ऐसे भी ब्राज आते हैं, तो व्हेन आई फाउंड आउट आई हैड टू ऑर्डर वन। नेक्स्ट ब्रा जो मैंने लिया था वो है ये पोल्का डॉट वाला ब्रा, बट इसका पैटर्न इज नॉट द रीजन वाई आई बॉट इट क्योंकि ये है एक नो सैग ब्रा। सैगिंग का मतलब होता है कि आपका चेस्ट जो नॉर्मल पोजिशन पे होना चाहिए उससे नीचे गिर जाता है, एंड मैंने पर्सनली सैगिंग का इशू फेस किया है पहले। तो नो सैग ब्रा क्या करता है कि वो आपके चेस्ट को ऊपर पकड़ के रखता है ज्यादा टाइम तक, तो धीरे धीरे उसका शेप ठीक होने लगता है। आप जरूर गूगल करना सैगिंग ब्रेस्ट एंड वहां पे आपको मालूम पड़ेगा कि नॉर्मल चेस्ट कैसा दिखता है एंड सैगिंग चेस्ट कैसा दिखता है, एंड अगर आपको लगता है कि आपका चेस्ट सैगिंग है ये लेना और घर पे जरूर पहनना, क्योंकि यूजुअली नो सैग ब्रास में पैडिंग नहीं होता, तो मैं उनको बाहर नहीं पहन पाती, पर मैं उनको घर पे ज्यादा टाइम तक पहनती हूँ ताकि सपोर्ट मिले एंड चेस्ट का शेप धीरे धीरे ठीक होते जाए। नेक्स्ट मेरे पास दो पुशअप ब्रास है। पुशअप ब्रास ना ज्यादातर वो लोगों के लिए हेल्पफुल होता है जिनको डीप नेक पहनना पसंद है, डीप नेक कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि उसमें हमारा चेस्ट जो लेवल पे होता है उससे और ऊपर दिखता है, तो क्या क्लीवेज ज्यादा दिखता है उसमें। फर्स्ट वन जो मैंने लिया वो है ये ब्लू कलर का, इसके बीच में ऐसा क्रॉस वाला पैटर्न है एंड इस पे ऐसा लाइट ब्लू कलर का लेस है, बहुत क्यूट है, बहुत प्रिटी है। मुझे ज़िवामे के पुशअप ब्रास थोड़े से टाइट होते हैं, तो आई वुड रेकमेंड कि आप अपने साइज से एक साइज ऊपर ले फॉर अ पुशअप ब्रा। एंड जो मैंने लास्ट टाइम बताया था कि अगर कोई ब्रा पसंद है तो उसमें दूसरा कलर ले लो, वापस वही किया है मैंने। मैंने लास्ट टाइम इसमें ग्रीन कलर लिया था, पर ये टाइम मैंने मरून ले लिया, एंड इसमें यहाँ पे ब्लैक लेस है, ब्लैक पोल्का डॉट्स है, ब्लैक वाला क्रिस क्रॉस भी है। ये वाला मुझे आई थिंक सिर्फ 350 या 400 का पड़ा था, एंड इसमें इतना फैंसी ब्रा कहाँ मिलता है। लाइक मेरे लोकल शॉप में ना ऐसे नॉर्मल वाले टी शर्ट ब्रास जो जिसमें पैडिंग भी नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा ब्रालेट टाइप 350-400 का आता है, तो मैं बहुत एक्साइट हो जाती हूँ जब मुझे अच्छे वाले सस्ते में मिलते हैं। नेक्स्ट है ये ऑरेंज कलर वाला ब्रा, ये मैं बताना भूल गई स्टार्टिंग के सारे कलरफुल ब्रास के साथ, इसलिए अभी बता रही हूँ। इसमें बीच में ऑरेंज लेसी कपड़ा है एंड बाकी पूरा एक सरीखा है। इसके कप साइज पहले वाले से बड़े है, इसलिए आई थिंक ये उनसे थोड़ा ज्यादा एक्सपेंसिव था, ये शायद कुछ 350-400 वाले रेंज में था, तो अगर आपको ज्यादा बड़े कप्स पसंद है तो ये वाला लेना उस वाले के बदले। एंड द लास्ट ब्रा इज दिस प्रिंटेड पर्पल कलर्ड टी शर्ट ब्रा, ये मैंने लिया था ऐसे ही पहले चेकआउट करते वक्त मेरी नजर पड़ी इस इनरवेयर के ऊपर, मतलब दिस इज डिटो मैचिंग। यूजुअली जो नॉर्मल लॉन्जरी होती है ना उसमें ऐसा मैचिंग सेट्स नहीं मिलते, बिकिनीज में मैचिंग सेट्स मिलते, लेकिन बिकिनीज में स्विम सूट होता है, तो स्विम सूट जैसा मटेरियल होता है जो मुझे डेली वेयर के लिए उतना नहीं पसंद। ऑल्दो ये इनरवेयर भी स्विम सूट ही मटेरियल है, लेकिन ये ब्रा इज नॉट स्विम सूट मटेरियल, तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गई टू हैव अ मैचिंग सेट, एंड दैट वॉज गोइंग टू बी माई बिगेस्ट टिप ये वीडियो में कि मैचिंग सेट्स करो। बहुत कॉन्फिडेंट फील होता है यार कि ये सेट हम पहनेंगे आज, एंड इसलिए मैंने ये ग्रे वाला भी लिया टू मैच विथ द स्ट्रैपलेस ब्रास। लाइक ये डिट्टो सेम मटेरियल लग रहा है, सेम टाइप का प्रिंट, एकदम सेम शेड ऑफ ग्रे, एंड ये ऑरेंज देखो यार एकदम मैचिंग है। एंड मेरा लास्ट सेट, वेट इसका ऊपर का कबाब के अंदर एक सेकंड, मेरा लास्ट सेट है ये वाला, मतलब ये जो मैंने लास्ट वीडियो में ली थी उसकी मैचिंग इनरवेयर मिली यार मुझे, ये टाइप सेम मटेरियल है, सेम कपड़ा है, एंड ये पूरा सेट मेरा 1,000 रुपए के नीचे आ गया था। लाइक मैंने ये कैटेगरी की लॉन्जरी ना मॉल में देखी है, एंड सिर्फ ऊपर का मतलब सिर्फ ब्रा 2,500-3,000 के ऊपर था, तो जब मुझे ये पूरा सेट 1,000 के नीचे मिल गया बहुत ज्यादा खुशी हुई यार। तो ये था मेरा फैंसी फन कलरफुल डिफरेंट सेक्सी लेसी लॉन्जरी हॉल फ्रॉम ज़िवामे। उनका सेल ऑलमोस्ट शुरू हो ही गया होगा, मतलब 11 दिसंबर 8 बजे होने वाला है। अगर आप कुछ भी शॉप करो मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना, उससे एक्स्ट्रा डिस्काउंट तो मिलेगा ही सेल के ऊपर, एंड फ्री शिपिंग भी है, बहुत सारे स्टाइल्स है, तो आराम से चूज करके लेना क्या पसंद आ रहा और क्या नहीं। एंड अगर आपको ये वीडियो से जरा भी मदद हुई तो दैट मेक्स मी वेरी वेरी हैप्पी, और मैं आपको मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।